हाय, मैं हूँ जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ब्लूटूथ रिसीवर की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ, जो टू टाइप्स के ब्लूटूथ स्पीकर है, दोनों अलग टाइप्स के हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पे आते हैं, इसके रिव्यू पर, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस पे इसका प्राइस है करीब, इधर MRP दिया है 500 का, लेकिन इसका प्राइस है 270। तो दोनों को मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो इसका दिखा देता हूँ। ये USB टाइप है और साथ में 3.5 mm जैक की लाइन दी गई है। तो इस पर कुछ नहीं है, एक सिंपल चाइनीज माल है, ज़्यादा कुछ कंटेंट्स या मैनुअल गाइड कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज ही है, ज़्यादा कुछ इस पर लिखा नहीं है। तो इसको साइड में रख कर देते हैं और इस पर लिखते हैं एक फोकस करने पहले। तो आप ये देख सकते हो, एक ब्लूटूथ रिसीवर है, इसको USB टाइप ब्लूटूथ रिसीवर है। इस पे पावर सप्लाई देना पड़ता है, तभी तभी जाके ये काम वर्क करेगा। इस पे कोई इंटरनल बैटरी नहीं है, इस पे USB पॉइंट पे इन करने के बाद ये ऑन होता है। तो USB पॉइंट पे देने के बाद, उसके बाद आपको होम थिएटर का जैक हो या कोई भी आपका ऑडियो लाइन का जैक इधर दे सकते हो, तभी आपका ऑडियो डिवाइस ब्लूटूथ डिवाइस पे कन्वर्ट हो सकता है इसके माध्यम से। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ आप यूज़ का USB पॉइंट, आप मतलब आपको ज़रूरत है तो ले सकते हो USB पॉइंट का। तो ये नॉर्मल एक 3.5 mm जैक है, लाइन करने सकते हैं इससे लेके। तो इस पे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए भी नहीं है और दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इसका तो मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको टेस्ट करने का मेरे पास कुछ सामान नहीं है। तो सिर्फ अनबॉक्सिंग के लिए लाया था रिसीवर, दो रिसीवर लाया था अनबॉक्सिंग के लिए, तो एक हो गया, तो इसको साइड। तो अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे वाला, इसका प्राइस 300 के, 300+ या 300 पे भी ला सकते हो आप, आपकी जैसे। हमें ऑनलाइन से खरीदा हूँ, ये पड़ा है 300 रुपीज़ ही पड़ा है इस पे। तो इस उससे बेटर होगा, इससे ज़्यादा बेटर होगा ये, क्योंकि मैं दोनों को यूज़ कर चुका हूँ। तो इससे ज़्यादा ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके, और कुछ मैनुअल है और उसके फीचर्स के बारे में दिया गया है। चाइनीज ब्रांड ही है, चाइनीज पे कुछ लिखा है और इधर इस साइड पे इंग्लिश पे कुछ लिखा है। तो ये है डाटा केबल, मतलब पावर केबल, और इसको USB एडाप्टर पे देके चार्ज करने का चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इस पे इंटरनल बैटरी दिया गया है इस पे। तो ये रहा, तो इधर 3.5 mm जैक का भी सपोर्ट दिया गया है। इस पे कोई USB की पॉइंट नहीं है, इस पर माइक भी है, इधर माइक का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी इंटरनल बैटरी है, जो जा अच्छा काम करता है, करीब 2 घंटा या 3 घंटा तक चल जाता है, बहुत उससे बेटर है। दोनों यूज़ किया मैं, उससे बेटर लगा मुझे। लेकिन इस पे और एक चीज़ दिया गया है, जो है इसके भी 3.5 mm जैक लाइन, ये मेटलिक है, लेकिन बहुत
ये वायर से ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि डैमेज होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। देखिए आप कोई भी लाइन इन पे दे सकते हो 3.5 mm जैक का, या आप कोई भी ऑडियो डिवाइस का लाइन इधर दे सकते हो। तो इधर 2 सेकेंड प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाता है। सॉरी फोकस नहीं हो रहा कैमरे पे, अब आया। सॉरी इस पे चार्ज अभी नहीं है, चार्ज करना पड़ेगा इसीलिए ऑन नहीं हो रहा है। तो उससे ज़्यादा बेटर बेटर ये होगा, आप इसे खरीद सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, और आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो सिर्फ अनबॉक्सिंग का ही था, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता ज़रूर, मेरे पास कुछ होता तो टेस्ट करने के लिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइट पे जो बेल आइकॉन है उस पर भी प्रेस कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे चैनल की। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।